खबर देहरादून से, जहां नगर निगम ने हाउस टैक्स जमा करने के लिए समय बढ़ाने के साथ ही छूट भी दी है। निगम ने हाउस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च कर दी है। साथ ही शहर वासियों को 20% छूट का लाभ भी दिया जाएगा। बताते चले कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। इसके साथ ही हाउस टैक्स जमा करने के शिविर भी निगम द्वारा लगाए जा रहे हैं। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि अभी करीब 32 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स जमा हो गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में काफी कम है। अब ये 31 मार्च, चूंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, तो इस बार 31 मार्च तक के लिए हम लोगों ने फिर बढ़ा दिया है 20% छूट का। और हम उम्मीद करते हैं कि ये, अब चूंकि इसके बाद कोई विकल्प हमारे पास भी नहीं रहेगा और ना नगर निगम के पास अधिकार रहेंगे छूट बढ़ाने के लिए, तो इस वित्तीय वर्ष में जिनके जिनके हाउस टैक्सेस नहीं जमा हुए हैं वो 20% छूट का लाभ उठा सकते हैं। और इसको ये अभी लगभग 32 करोड़ रुपये आ गए हैं, और पिछले साल की तुलना में तो अभी काफ़ी कम है, क्योंकि पिछले वर्ष हम लोगों का करीब 15 मार्च को, जब उसके बाद कोविड शुरू हो गया था तो हम लोगों ने बंदी कर दिया था, तो उस समय तक करीब 47.5 करोड़ रुपए आए थे। तो उम्मीद करते हैं, देखिए अभी 7-8 दिन बचा है, इसमें कितना आता है हमारे पास।